अल्लाह अकबर समीअल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام على رسولنا والصلوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين. يا الله यूनुस आफंदी की तरफ से आप सब फिक्रमंद थे, जाहिर है। अल्लाह का शुक्र अब ये बेहतर है, तो हम सब को लगाम मजबूत थामनी चाहिए। लेकिन जब किस्मत में गिरना ही लिखा हो तो न मजबूत लगाम बचा सकती है और न अच्छी काठी। मगर जिंदगी का कोई भी हादसा हो उसे बदनसीबी या बुरी चीज नहीं समझना चाहिए कभी। जैसे जानवरों को तंबीह करनी हो कि वो खेत में न घुसें, तो क्या करते हैं, उन्हें हम लाठी दिखाकर दूर रखते हैं, और अगर वो न समझें तो फिर हल्के से मारते हैं। फिर भी न समझें तो उन्हें जोरदार जर्ब लगाते हैं लाठी वगैरह से। हाँ, इसी तरह तंबीह के इशारे समझना हम पर भी लाजिम है। मगर कोई वाकया हो जाता है तो हम कहते हैं, हाय ये क्या हो गया। अरे और तो करे गाफिल, क्या लिखा हुआ है कुदरत की किताब में, मगर इसकी अलिफ बे मदरसों में नहीं पढ़ाई जाती। जानने वाले जानते हैं कि पूरी कायनात में कोई मखलूक नहीं जो इंसान को कुदरत के इशारे खोल खोल कर न बताती हो। हम अगर ये तहरीर नहीं पढ़ सकते तो मतलब ये नहीं कि कुदरत की किताब के सफ़े खाली हैं। अब अगर मुजाहिल बूढ़े को पढ़ना नहीं आता तो क्या फजूल हैं सब आलिमों की किताबें। समझने वालों के लिए हर शेर आयां बयान होती है। पहले कभी मैंने तुम लोगों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकायत सुनाई थी, बताओ सुनाई थी क्या? नहीं सुनाई शेख मोहतरम। जानते हो क्या बताता है कुरान हजरत सुलेमान के बारे में? हजरत सुलेमान हजरत दाऊद के वारिस थे। वो फरमाते थे, ऐ इंसान, हमें परिंदों की बोली सिखाई है अल्लाह ने और थोड़ा बहुत इल्म अता किया है। हकीकत तो ये है कि ये उनकी इनकिसारी थी।
क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम हैवानों की जबानें समझते और उन सब पर हुकूमत करते थे। मुख्तलिफ रिवायतों में एक और वाकया अलग अलग अंदाज से बयान हुआ है। इनमें से बात सही हैं और बात सही नहीं है, मगर ये नहीं कह सकते कि जो सही नहीं वो झूठ हैं, क्योंकि कुरान अजीम की दावत तो हर इंसान के लिए है। जो इसे पढ़कर गौर व फिक्र करते हैं वो राह हिदायत पाते हैं। बाज़ औक़ात ये नसीब की भी बात होती है, इसीलिए तो कहते हैं ना, मक्खी शहद बना सकती है मगर ये नहीं बता सकती कि कैसे बनाती है। वजाहत करना मुमकिन होता तो आलिम लोग, दानिश्वर लोग खुद शहद बना लिया करते।